नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को दी शिक्षक दिवस की बधाई। हरियाणा की प्राध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राध्यापिका अंजू दहिया को दी बधाई। बल्लभगढ़ में लगभग 20 लाख की लागत से बनेगा पार्क। सभी विकास परियोजनाओं का जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षक दिवस के मौके पर सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। एक शिक्षक ही सभ्य समाज का निर्माण करता है। वह एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षक दिवस की सबसे खास बात यही है कि यह एक महान शिक्षक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। इस दिन मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि आप सभी अमृतकाल के संकल्पों को पूर्ण करने में भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। मुख्यमंत्री ने सदियों से चली आ रही इस गुरु शिष्य परंपरा को इसी तरह निभाते रहने की शुभकामनाएं दी। हरियाणा की एकमात्र प्राध्यापिका अंजू दहिया को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए आज शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर आज सोमवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। सोनीपत के सेक्टर 23 निवासी अंजू दहिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़वासनी में रसायन शास्त्र विषय की प्राध्यापिका हैं। उन्होंने रसायन शास्त्र विषय को खेल व कविता जैसी गतिविधियों से ही आसान बना दिया। उन्होंने शिक्षिका के रूप में नियुक्ति पाने के बाद विद्यार्थियों की समस्याओं को समझा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हरियाणा की प्राध्यापिका अंजू दहिया के सम्मानित होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राध्यापिका अंजू दहिया को बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि नवाचार माध्यमों से विद्यार्थियों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि जगाने वाली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़वासनी सोनीपत की प्राध्यापिका अंजू दहिया जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। सीएम ने कहा कि आप जैसे शिक्षकों के प्रयासों में नए भारत का निर्माण निहित है और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल कैथल रोड पर बने विश्वकर्मा चौक पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति का बीते कल अनावरण किया और नमन किया और उपस्थित लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस मौके पर श्री विश्वकर्मा पांचाल समाज सभा रजिस्टर्ड करनाल के प्रधान वेदपाल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सोने की लंका का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। सीएम ने कहा कि आदिकाल से ही भगवान विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान के कारण ही न केवल मानव अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदनीय हैं। इस कार्यक्रम में पांचाल संस्था के चेयरमैन नंदलाल पांचाल ने समाज की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बीसीए वर्ग के लोगों के लिए 8% आरक्षण का प्रावधान करके पिछड़ा वर्ग के लोगों की लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत में भागीदारी सुनिश्चित की है। इसके लिए समस्त समाज मुख्यमंत्री का आभारी है। उन्होंने पांचाल समाज के लिए करनाल के सेक्टर 32 में 740 वर्ग गज का प्लॉट देने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। इस मौके पर उन्होंने अन्य बोर्डों की तर्ज पर शिल्पकार बोर्ड का गठन करने के लिए भी मुख्यमंत्री से मांग की। बल्लभगढ़ में सेक्टर 64 को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। यहां पर एक पार्क का शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया है जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर लगभग 20 लाख की लागत आनी है। इसके अलावा बल्लभगढ़ में चाहे महिला कॉलेज हो या फिर बाईपास रोड हो, इन सभी विकास परियोजनाओं का जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही बल्लभगढ़ ऑडिटोरियम का निर्माण भी शुरू करा दिया जाएगा।
इसको लेकर जल्दी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। वहीं कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे हल्ला मचा रहे हैं। जिन्होंने भारत तोड़ा है आज वही भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो भी लागत होगी इसकी, चार दीवारी इसका फुटपाथ है, उसकी तैयारी सारी हमने दिए हैं और जल्दी ये बनकर तैयार होगा। बहुत लंबे समय से डिमांड थी, ये होंडा के सेक्टर है और जितनी भी लागत 18-20 लाख जो भी होंगे इसे बना के तैयार करें। जिस तरीके से देख रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से मांग थी है पार्क की, क्योंकि इस इलाके में पार्क ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, तो कब तक ये बन जाएगा? क्यों समय सीमा की जो बात की जा रही है, क्योंकि ऐसे ही मिनी सेक्रेटरी भी बल्लभगढ़ का लटका हुआ है जो कि समय सीमा उसकी पहले निकल चुकी है, अभी तक बन नहीं पाया। ये पार्क मात्र 1-1.5 महीने में बनकर तैयार होगा इस साल में, और जो जिसकी सेक्रेटरी की बात करते हैं वो लंबा प्रोजेक्ट है, छोटा बड़ा प्रोजेक्ट है। आने वाले समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसका भी उद्घाटन करेंगे, कॉलेज का करेंगे, मिनी सेक्रेटरी का, रैली की छतरी का करेंगे, एलिवेटर पुल का उद्घाटन करेंगे और बाईपास एक 12 करोड़ का बना के तारे उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। जल्दी स्वागत प्रदेश के लोग। ऑडिटोरियम पेंडिंग पड़ा है, ऑडिटोरियम का काम, तो उसके बारे में बात करें तो जल्दी ऑडिटोरियम काम भी जल्दी, पैसे हमारी ऊपर बात हो सीएम लोगों पर, जल्दी उसको PWD&R को पैसे देंगे, जल्दी बनने का। हल्ला बोल कांग्रेस का आज रैली रही है दिल्ली के अंदर और महंगाई के प्रति हल्ला बोल है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस के मित्रों का काम तो करें, बस हल्ला बोले कुछ तो करें, शोर तो करें, कुछ तो करें। कांग्रेस मित्रों करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात करें। भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं कांग्रेसी। भारत टूट कब गया, टूटा कब था भारत जोड़ने की? पहले तोड़ दिया इन्होंने, पहले भी जुड़ा हुआ था। आज 370 की धारा झोड़ के अटकते कटकते सारा भारत एक। इस बार भीषण गर्मी पड़ने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और बिजली की खपत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए बिजली विभाग के द्वारा बिजली चोरों पर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत अम्बाला में कई जगह पर छापेमारी की गई और इस गर्मी के मौसम में अब तक 2,40,00,000 की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी के लिए डिपार्टमेंट काफ़ी पहले ही काफ़ी ज़्यादा सख्ताई इसमें है, क्योंकि बिजली चोर जितने भी हैं तो बहुत थोड़े, इस एरिया में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में चोरी की जाती है। तो हमारा जो अभियान है ये अप्रैल से तकरीबन चला था, अप्रैल जैसे गर्मी शुरू हुई थी तभी इसका सारी टीम इतनी गठित कर दी गई थी और रेगुलरली हर महीने में हर सब डिविज़न में हर एरिया में आज जो है टारगेट किए गए। और पिछले 5 महीनों की बात करूं तो अम्बाला जिला के अंदर जो है तकरीबन 2,40,00,000 के आसपास की चोरी जो है जुर्माने लगाए गए हैं, चोरियां पकड़ी गई। तो ये अभियान और भी मेन तो गर्मी का हमारा रहता है और एक चीज़ देखने में आई है कि पिछली बार जैसे हमने काफ़ी जो चलवाया था अभियान तो कमी जरूर आई है, ये मैं कहूँगा कि चोरी में कमी जरूर आई है। अब चोरी काफ़ी मुश्किल से जो है हमारी टीम्स को ट्रेस में आती है, अदरवाइज ओपनली ऐसे कोई चोरी नहीं रही है। छापेमारी तो देखिए अगर मैं बात करूँ हर महीने में तकरीबन हमारी टीम से हर वीक में 2-3 दिन प्लान करती हैं, दो दिन तकरीबन 1 वीक में प्लान करती हैं और टारगेट हमारा ये रहता है कि जो हमारे हाई लॉस फीडर्स हैं जहाँ पे लॉसेज हमें ज़्यादा है, नाइन लॉसेज ज़्यादा है, उन फीडर्स पे टारगेट करके उन पर्टिकुलर गाँव में पूरी चेकिंग की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों ने देश भर में एजेंट दिवस को विश्राम दिवस के तौर पर मनाया और काम बंद करके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। करनाल में भी LIC दफ्तर के बाहर एजेंटों ने धरना लगाया। एजेंटों का कहना है कि निगम की नीतियों के कारण एजेंट और पॉलिसी धारकों पर बोझ बढ़ा है और उन्होंने कहा कि पॉलिसी पर GST लगने से भी पॉलिसी में कमी आई है। एजेंट पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाने, पॉलिसी पर से GST हटाने, लोन और लेट फीस पर ब्याज दर को घटाने, एजेंटों के लिए वेलफेयर फंड बनाने, एजेंटों की ग्रेच्युटी बढ़ाने और अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। श्री शाना ने बताया कि 7 सितंबर तक सभी एजेंट काले रिबन लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और उनकी मांगों पर विचार ना किया गया तो 30 अक्टूबर को करनाल में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों का हल नहीं होता उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। हमारा एजिटेशन पूरे इंडिया में है तो अब की बार हमने ये क्लियर कर रहा है कि हम एजेंट डे
रेस्ट डे मनाएंगे, इसमें नो बीओसी, नो रिवेबल, नो रिन्यूअल और कोई भी काम नहीं होगा हमारी ब्रांच का, मतलब रेस्ट करेंगे या फिर धरने पर रहेंगे जी। तो सभी ने ये निश्चय लिया है। दूसरी बातें जो पॉलिसी होल्डर के बारे में है, भाई बोनस रेट बहुत कम है, वो ऐसे है कि जैसे 2000 को बोनस रेट हमारा 70% होया करता था, लेकिन अब के टाइम में 40-45 के करीब है, लगभग आधा बचा हुआ है जी। और ऊपर से जीएसटी पॉलिसी होल्डर पर लगा दिया है, तो जीएसटी भी 2000 से लागू है, लेकिन ये 2014 से हमारी एलआईसी ने लगाई है। इसके लगने से पॉलिसी होल्डर पे डबल मार पड़ रही है, पॉलिसी होल्डर मतलब पॉलिसियाँ हो नहीं रही, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बैठता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। तीसरे लोन इंटरेस्ट, पॉलिसी होल्डर लोन लेता है तो बैंक का रेट है एफडी का 6-6.5% और ये लेते हैं 9.5%, तो कहाँ कितना गैप होता है, तो इस विषय हमें ये कम किया जाए जी, ये हमारी डिमांड है। 1 तारीख से 7 तारीख तक ये बीमा सप्ताह चल रहा है हमारा जी, तो उसमें हमने काले रिबन लगा के रखने हैं और ऐसे ही एजिटेशन करना है या गेट पे नारे लगाने हैं। अपनी मांगों को लेकर कई बार किसान डीसी कार्यालय गए और रोष प्रदर्शन भी किए, पर हर बार उन्हें इंतजार करने का आश्वासन ही दिया जाता था। पर आज किसान उपायुक्त कार्यालय में उनकी मांगों पर क्या कार्रवाई की गई है, इसी विषय को लेकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया कि पिछले काफी समय से उनकी कई मांगे लंबित पड़ी हैं, जैसे कि पशुओं में आई बीमारी को लेकर मुआवजे की बात, फसलों की गिरदावरी को लेकर मुआवजा और नारायणगढ़ शुगर मिल में गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर की गई मांगों पर अभी तक उनका कोई हल नहीं मिला है। और आज भी लोग अपनी मांगों का हल लेने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी किसानों को कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला तो वे लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मांगों को लेकर नहीं आते, जो मांग पत्र दिए हुए हैं पहले 29 तारीख को दिया था, पहले 15 तारीख को दिया, उनके जवाब के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है, सरकार ने, डीसी ने या प्रशासन ने, हमारे पास कोई भी लिखित में उत्तर नहीं आया है, ना ही हमें गांवों में कोई पटवारी गिरदौरी करता मिला है, ना ही किसी ने हमसे रिपोर्ट मांगी है। इसलिए इनसे पता करने आए हैं डीसी कार्यालय में कि भी आपने हमारे जो मांग पत्र आपको दो दिए थे उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की है, इसलिए हमें यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर कोई ठोस हमें कार्रवाई का आश्वासन या की हुई का कोई प्रूफ नहीं मिलता तो ये धरना अनिश्चितकाल भी जा सकता है। मांगे थी, एक तो हमारा 8 महीने से शुगर मिल नारायणगढ़ के ऊपर किसानों की बकाया पेमेंट को लेकर 8 महीने से धरना चल रहा है, उसके बारे में प्रशासन बिल्कुल भी गौर नहीं फरमा रहा, क्योंकि किसानों की पिछली 5 फसलें खराब हो चुकी हैं, उनके पास खर्चा करने के लिए सिर्फ एकमात्र जो गन्ने की पेमेंट है वही है, जो गन्ना उत्पादक है उसके पास दूसरी फसल नहीं होती, दूसरी फसलें उनकी खराब हो गई हैं। वो पैसे की आस के ऊपर हम सरकार को बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं अगर किसानों की पेमेंट कर दी जाए, किसान इसके बारे में बहुत मजबूर हैं, खर्चा चलाना, कर्जा ले लेकर भी हम थक चुके हैं, आड़ती ने जवाब देना शुरू कर दिया है, उसके बारे में पेमेंट के लिए नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी जीरी की फसल है कहीं कहीं तो वो 80% तक, 50-80% तक बर्बाद हो चुकी है, 60% बर्बाद हो चुकी है, उसकी स्पेशल गिरदावरी के लिए मांग पत्र दिया था। एक पशुओं के अंदर बीमारी आई हुई है उसके अंदर, उसके लिए मांग पत्र दिया था। इनके बारे में हमें कोई भी ठोस प्रमाण या ठोस लिखित में उत्तर नहीं मिला है प्रशासन से, यही हमारे मुख्य मांगे थी। एक बिजली संशोधन बिल है उसके बारे में भी बातचीत करनी थी, उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया पक्के तौर के ऊपर, आज इसीलिए। मसलवी जिम एंड हेल्थ स्टूडियो के द्वारा विभिन्न भारत वर्गों में बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में रमेश कुमार एसएपी कालका बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने विजेताओं को इनाम देकर उनको प्रोत्साहित किया। एसएपी ने जिम संचालक और स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया। एसएपी रमेश गुलिया ने कहा कि कालका पिंजौर के युवाओं को खेल के प्रति शौक नहीं है, जिम की यही अच्छी शुरुआत है, चाहे एथलेटिक्स हो या रेसलिंग हो, क्योंकि कालका पिंजौर का युवा नशे का आदि है, अगर यहाँ का युवा खेल को प्राथमिकता देगा तो नशे से भी दूर रहेगा। मैं सबसे पहले तो जिम के ओनर और स्टाफ और जो कोचेज वगैरह उनका सबका धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे बुलाया।
और दूसरा यहाँ पर भी है जो कालका पिंजौर का एरिया है, यहाँ पर स्पोर्ट्स का इतना क्रेज है नहीं, क्योंकि ये जो क्रेज है दिल्ली या हमारा उधर सोनीपत का एरिया होगा और आपका करनाल तक का, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है जिम के। चाहे आप कोई भी फील्ड है, जिम की है या एथलेटिक्स है या रेसलिंग, कोई भी गेम होगा, एक अच्छी शुरुआत है यहाँ के लिए कि भी जो बच्चे हैं जो नशे का यहाँ पर काफ़ी हुआ है, तो खेल के दौरान में उसमें नशे से थोड़ा परहेज भी करेंगे और खेल लेंगे कूदेंगे तो आगे जो एक सरकार का नारा भी है, खेल लें कूदेंगे तो नौकरी भी पाएंगे, सेहतें भी ठीक रहेंगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।